दोस्तों टोटल सॉल्यूशन मिलन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो आरएस पावर कंपनी का जो इमरजेंसी लाइट है इसका मॉडल नंबर है RS1240LS। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल वाटर डैमेज और डेड कंडीशन में आया है। तो इसके अंदर पानी चला गया था या पानी के अंदर ये गिर गया था, कोई भी हो सकता है इनमें से। लेकिन कस्टमर जब इसको चार्ज में लगाया तब इसके अंदर से थोड़ा मतलब धुआं बहुत निकला था। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो तीन वायर लगा हुआ था वो जैक जल गया है, ये देखिए, और बहुत सारा सल्फर इसमें जम गया है। ये यहीं पे देखिए जो नॉब है, हमारा जो पॉट है, पॉट में भी थोड़ा सा सल्फर जम गया है। और इसका जो फॉइल लाइन है दोस्तों, फॉइल लाइन में भी सल्फर के कारण जंग आ गया और फूल फूल गया है कुछ ऊपर में जो लेयर रहता है। तो इसको हमको रिपेयर करने से पहले अच्छे से साफ करना पड़ेगा और जो नाइफ या ब्लेड के मदद से हम इसको फॉइल लाइन को क्लियर करेंगे घिस घिस के, उसके बाद ही इसमें चेक करेंगे क्या खराबी है और उसको ठीक करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो जैक है, जैक के जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो पिन है दोस्तों, उसमें भी हमारा जो है सल्फर आ गया, जंग आ गया है। और आप बैटरी को एक बार चेक कर लेते तो देखिए दोस्तों बैटरी में फुल वोल्टेज है, तो इसीलिए ये सब जल्दी से ख़राब हुआ है। क्योंकि इसको चार्ज में लगाया था और इसका जो चार्जिंग कैपेसिटर है दोस्तों 225 जे 400 वोल्ट का, तो इसलिए चार्जिंग में बैठने के बाद अंदर का जो पानी था दोस्तों वो पानी के वजह से ही ऐसा हो गया, क्योंकि हाई वोल्टेज सर्किट में गया था और पानी था, पानी भाप होके बाहर निकल गया दोस्तों। अंदर गर्मी भी हो गया था, गर्म भी हो गया था बोर्ड, तो उसमें सल्फर इतना सारा जम गया है। तो देखिए हम नाइफ के मदद से इसको घिस घिस के साफ करेंगे, बहुत सारा सल्फर है। तो अगर इसको अच्छे से आप क्लीन नहीं करते हो तो फिर इसको चार्ज में लगाओगे तो बोर्ड फिर से जल जाएगा या कोई भी कंपोनेंट जल सकता है। क्योंकि जो पीएफ कैपेसिटर है दोस्तों 225 जे का 400 वोल्ट का, तो उसमें से हाई करंट गुजरेगा और दोस्तों बोर्ड में अगर कहीं भी जो इलेक्ट्रॉन रह जाता है या बोर्ड के पीसीबी के अंदर से करंट फ्लो होता है तो उसमें जो है शॉर्ट हो जाएगा। तो ये पे देखिए 225 जे का जो पीएफ कैपेसिटर है और इसको हम अच्छे से नाइफ के मदद से इसको साफ करेंगे। और इसमें जो घासलेट का ऑयल या केरोसिन का ऑयल, कोई भी कहता है केरोसिन का ऑयल, तो उसी ऑयल से पहले मैं इसको साफ करूंगा, उसके बाद उसको सुखा लूंगा, फिर हम थिनर से इसको क्लीन करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास घासलेट का ऑयल है, तो इसी से हम ब्रश के मदद से घिस घिस के इसको साफ कर रहे हैं। और दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबा दीजिए नया नया वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों वीडियो के ऊपर जो आई बटन है वही पे क्लिक करके आप मेरा वीडियो देख सकते हो, वीडियो के एंड में जो एंड स्क्रीन शो करेगा वही पे भी क्लिक करके आप मेरा वीडियो देख सकते हो। मैं नया नया वीडियो आप लोग के लिए लाने के लिए कोशिश करता हूँ और लाइक आप ज़रूर दीजिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक देने से वीडियो बनाने का इच्छा जो है दोस्तों और भी बढ़ जाता है, क्योंकि लाइक से हमको पता चलता है कि वीडियो अच्छा होता है आप लोग के लिए या कुछ सीखने को मिलता है, तब जो है दोस्तों हमको वीडियो बनाने की इच्छा और भी बढ़ जाता है। तो अभी कुछ दिन से मेरे जो वीडियो बहुत ही कम आ रहा है दोस्तों, तो इसका कारण है मेरा जो शॉप में बहुत काम का प्रेशर आ गया है, इतना काम का प्रेशर आ गया है, तो इसमें हम टाइम नहीं मिल रहा है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हम खुद वीडियो बनाते हैं, मैं कैमरा मैन भी मैं हूँ दोस्तों और वीडियो शूटिंग भी मैं करता हूँ, वीडियो बनाता भी मैं हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम
काम के टाइम पे थोड़ा प्रेशर हो जाता है कि कब हम कैमरे को पकड़ेंगे और कब वीडियो शूट करेंगे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसके बाद हम रेगुलर कर देंगे जैसे ही काम का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसमें देखिए बोर्ड में देखिए दो एसी का कनेक्शन है, ये चार्जिंग वाला बोर्ड है और जो एसी का कनेक्शन है दोस्तों, ये जो ब्रिज डायोड है दोस्तों, ब्रिज डायोड होके जो है डी आउटपुट में डीसी मिलता है हमको। तो ये देखिए जहाँ पे डीसी मिलता है आउटपुट में, तो वहीं पे हमारा डायोड का एक लेग टूट गया है और दूसरा लेग जो है वो एकदम सल्फर से जम गया है। तो डायोड को हम खोल लेंगे आयरन के मदद से। तो दोस्तों ऐसा एसएमडी डायोड आपको मिल जाएगा, कोई भी एलईडी बल्ब का ड्रॉप में आपको मिल जाएगा, तो उसी ब्रिज डायोड को भी आप लगा सकते हो। नहीं तो IN4007 जो डायोड होता है दोस्तों उसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे अच्छा होगा दोस्तों आप एसएमडी डायोड यूज़ करो, क्योंकि कम जगह में इसके ऊपर अच्छे से बैठ जाएगा। लेकिन अभी हम डायोड इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये देखिए ये दोनों फॉइल के बीच में जहाँ पे एसी का कनेक्शन है और आउटपुट पे जहाँ पे डीसी का कनेक्शन है, तो वहीं पे हम दूसरा एक नाइफ से पीसीबी बोर्ड को ऊपर से हम अच्छे से घिस के साफ करेंगे। आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा हम इसको खरोच के घिसेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हाई वोल्टेज जो है ये बोर्ड के ऊपर से गुजरा है और यहीं पे पानी था, तो इसीलिए जो है दोस्तों पीसीबी बोर्ड के अंदर भी कुछ जो है इसका कनेक्शन या शॉर्ट हो सकता है। पीसीबी भी कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, उसके अंदर से भी कभी कभी कारेंट गुजरता है दोस्तों। तो इसीलिए हम बोर्ड को अच्छे से खरोच के इसको साफ कर लेंगे, तो इसमें हमारा जो है शॉर्ट होने की चांसेस एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि यही पे 225 400 वोल्ट का जो कैपेसिटर है दोस्तों वही से चार्ज होगा, तो हाई वोल्टेज रहेगा। जो कैपेसिटर होने के बाद जो वोल्ट है दोस्तों 220 वोल्ट से 250 वोल्ट से करीब रहता है, 250 वोल्ट के करीब रहता है। तो वही वोल्ट जो अब ब्रिज डायोड देखिए ब्रिज डायोड होके निकलता है, लगभग 300 वोल्ट के करीब पहुंच जाता है। तो ये देखिए सेम जो डायोड है हमारा, मैंने ये डायोड जो है दोस्तों जो एलईडी बल्ब का ड्रॉप होता है ड्रॉप से उठा लिया है, तो यही डायोड हमारा चलेगा। तो इसको हम लगा देंगे, तो डायोड के एक साइड में एक कटिंग रहता है दोस्तों, उसी साइड में नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है। और आपका जो डायोड का जो कटिंग साइड आपका खुद के तरफ जब कर लेते हो, तो उसका जो लेफ्ट साइड है वो पॉजिटिव निकलेगा और राइट साइड जो है वो नेगेटिव निकलेगा। तो ये देखिए हम यहीं पे नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्शन है जहाँ पे कॉन्डेंसर एक लगा हुआ है, तो हम यहीं पे इसको लगाएंगे। ये देखिए एकदम बिल्कुल पहले जैसा था वैसे हमने इसको बैठा दिया है। हमारा डीसी जो वोल्टेज था डायोड से जो आउटपुट हो रहा था, तो वो डीसी वोल्टेज का जो पॉजिटिव वाला पिन है वही जल गया था एकदम बिल्कुल, और नेगेटिव वाला जो पिन था वो थोड़ा सा सल्फर से जम गया था दोस्तों, लेकिन वो भी खराब था, तो इसलिए डायोड को हमने हटा दिया है। अब एक एक लेग हम सोल्ड करेंगे आयरन के मदद से, तो इसको अच्छे से सोल्ड करना है। और सोल्ड करने के बाद दोस्तों इसको तो हमने बहुत बार साफ किया है, लेकिन अभी जो है हम सोल्ड करेंगे, लेकिन यही पे जो है दोस्तों थोड़ा सा पेस्ट हम रखेंगे। पेस्ट को हम यही से साफ नहीं करेंगे, क्योंकि यही पे जो पहले सल्फर जम गया था, इसीलिए पेस्ट भी यही पे कुछ पेस्ट रख के देंगे कि शॉर्ट सर्किट ना हो। अगर कोई भी शॉर्ट होने की चांसेस रहता है तो पेस्ट के वजह से नहीं होगा। तो ये देखिए हम अच्छे से इसको घिस घिस के साफ कर लिया हूँ, जहाँ जहाँ पे हमको लगे कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है।
या वहीं पे सल्फर जम के एकदम सफ़ेद हो गया है, तो वही जगह हम अच्छे से साफ़ कर लिया। अब देखिए जो पीए पे इसका भी दोनों लेग जो है ड्राई शोल्डर हो गया, सफ़ेद हो गया था, तो दोनों लेग को हम अच्छे से सोल्ड कर देते। और इसका जो डिस्चार्ज करने के लिए देखिए दो रेजिस्टर इसमें लगाया गया है इस पीएफ को डिस्चार्ज करने के लिए। आप 1 मेगा रेजिस्टर यूज़ कर सकते हो, अगर दोनों जो रेजिस्टर है ख़राब हो जाता है, आपको वैल्यू पता नहीं होता है। तो देखिए इसको हमने अच्छे से सोल्ड कर दिया, हम नज़दीक से आपको दिखाते हैं तो आपको पता चलेगा। तो यही पे देखिए और एक ट्रांजिस्टर है यही पे, इसका नंबर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत ही छोटा सा लिखाई है दोस्तों, इसलिए अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो अब जो एलईडी जहाँ पे कनेक्शन है, बैटरी का जहाँ पे कनेक्शन है, वो वाला बोर्ड हम चेक करेंगे। पहले जो है हमारा नॉब को घुमा के हमारा पॉट को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इसमें जो है वैल्यू अप डाउन कर रहा है, मतलब मेरा पॉट जो है अभी भी सही है, ये पानी के वजह से ख़राब नहीं हुआ है। तो इसको दाएं बाएं घुमा के हमने चेक कर लिया। आप इसमें छोटा छोटा और भी चेकिंग करना है, यही पे जो डायोड है डायोड को चेक करना है, ये तो ट्रांजिस्टर है दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर को भी हम चेक कर लेंगे। यही पे देखिए जो रजिस्टर है रजिस्टर को भी हम चेक करेंगे। और यही पे देखिए जो काला वाला लाइन जो है बैटरी का नेगेटिव, वो इमरजेंसी लाइट का नेगेटिव में हम लगा देंगे। पहले जो जैक जल गया था, मैं दूसरा जैक इसमें सेट किया दोस्तों, आप देखिए उसके अंदर ही हम वायर को डाल रहे हैं। तो अभी देखिए वायर डालने के बाद इसका पिन जो है दोस्तों बहुत सारा जो है सल्फर जम गया है, वो साफ नहीं होगा। अभी इसमें हम कनेक्शन तो कर दिया है, अभी इसमें बहुत सारा लूज कनेक्शन होगा, लेकिन हम चेक कर लेते, उसके बाद वायर को काट के हम फाइनली सोल्डर करके इसका कनेक्शन कर देंगे। तो देखिए पानी में डैमेज वाला जो इमरजेंसी था दोस्तों, इसको हमने रिपेयर कर लिया। तो आप लोगों के पास भी ऐसा अगर इमरजेंसी है या दूसरा कोई भी इमरजेंसी है जो कि पानी से डैमेज होता है, पानी जाने के बाद उसको चार्ज में बैठाते हो, तो उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, आए तो आप इसको ऐसे देख के रिपेयर कर सकते हो। तो आप देखिए इसका जो पॉजिटिव वाला लेग है और जो नेगेटिव वाला लेग है, वही से हम वायर को काट के हम बोर्ड बोर्ड के जो पीसीबी है उसमें सोल्ड कर देंगे। अब जो योलो वाला वायर है दोस्तों, इसको हमने गौर से नहीं देखा, लेकिन ये भी वायर है, इसका कनेक्शन हमने नहीं देखा, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। इसको कनेक्शन अगर ना भी करो फिर भी एक ग्लो हो रहा है, इसको क्यों लगाया है हमको पता नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताना, क्योंकि हमको ये योलो वायर का जो कनेक्शन है ये वायर क्यों दिया हमको पता नहीं। योलो वायर को छोड़ के भी ये लाइट ग्लो हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है दोस्तों। तो आप देखिए मेरा जो कनेक्शन है सही से कर दिया है, अभी हमारा इमरजेंसी जो है बिल्कुल सही से ग्लो हो रहा है। तो ओके, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो।